नमस्कार दोस्तों, आइडियल फिशिंग हॉबी चैनल पे आप सबको स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ। तो बहुत दिनों से मुझे कुछ बंदों ने रिक्वेस्ट किए कि भैया नारियल का जो डस्ट होता है होममेड कैसे बनाते हैं, जो कतला के लिए होता है वो दिखा दीजिए। तो हम उसी के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं, तो देखेंगे आज कैसे नारियल का डस्ट होममेड बनाते हैं। तो एक नारियल ले लिया मैंने, आधा नारियल लिया। यहाँ पे आप लोग के हिसाब से जितना बनाओगे उसके हिसाब से नारियल लेना। तो मैंने इसको कुरेद लिया, देख ही रहे हैं आप लोग। इसका जो सफ़ेद पार्ट है वो ही लेना है आपको, नीचे का जो काला हिस्सा होता है वो नहीं जाना चाहिए। फिर भी मेरा कुछ कुछ जगह पे चला गया, तो कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, वो काला जो पार्ट है वो नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने सुखाने के लिए दिया हुआ एक झूड़ी से ढक रहे हैं, मैंने झूड़ी हटा लिया। तो देख रहे हैं ये सूख गया, लेकिन इसको क्यों सुखाने के लिए दिया वो भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ काम है। इसको सुखाने से पहले आपको इससे दूध निकालना पड़ेगा, जो नारियल का दूध है। तो इसका भी प्रोसेस है कैसे दूध निकालेंगे। आप नारियल को कुरेद कर उसको गर्म पानी में 15 मिनट तक भिगो के रखिए, फिर उसको छान लेंगे तो ऐसे वाला दूध मिल जाएगा। तो ये रहा दूध, अभी ठंडे के मौसम है इसलिए थोड़ा जम भी गया, आप देख रहे हैं ऊपर से। उसके बाद आपको धूप में ऐसे सफ़ेद कपड़े के ऊपर सुखाने के लिए, अगर गर्मी के दिन हुआ तो 1 से 2 घंटा काफ़ी है, और अगर ठंडे के मौसम हुआ तो 1 दिन तक धूप में रख सकते हैं। ये सूख गया, तो पहला स्टेप है आपको कुरेद लेना है, सेकंड स्टेप है इसको दूध निकलना है इसके, थर्ड स्टेप है आपको सुखाने के लिए दिया हुआ, फोर्थ स्टेप है इसको आप मिक्सी ग्राइंडर में ब्राइंड करेंगे, क्योंकि इसका जो बड़े बड़े दाना है उसको आपको छोटा करना है। तो चलिए मिक्सी में आ गए हम लोग, तो हमने मिक्सी ग्राइंडर में दे दिया नारियल को, इसको मीडियम प्रेशर में घुमाएंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ी देर। तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, तो हमारा मिक्सी ग्राइंडर में मिक्स हो गया इसका। तो देख लीजिए आप लोग जैसे देखते हैं के दुकान से ख़रीदा हुआ, पास से दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए दुकान से ख़रीदा हुआ नारियल का डस्ट वैसा ही वैसा घर में भी आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं ऐसे। तो ये हमारा नारियल का डस्ट बन गया है। अब इसको आप सूजी के लड्डू, छत्तू के लड्डू, कोई भी लड्डू में यूज़ कर सकते हैं, जो कतला मछली के बहुत ही ख़ास है। ये दो तरीका होता है, एक तो ये सफ़ेद है और दूसरा वाला होता है जो फ्राई वाला, थोड़ा ब्राउनिश कलर का होता है। वो मैं किसी और दिन एक वीडियो दूंगा उसके। हमारा नारियल का डस्ट तैयार है पूरी तरह से। तो जो कोई भी हमारे चैनल पे नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिए, और उसके बाद जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा वो ज़रूर दबा दीजिए। तो ये रहा आज का आयोजन, लाइक शेयर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले एक वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।